Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is the last lecture of agriculture. In this lecture, I will try to complete whole of the agriculture, and I have discussed all the important issues which are there in our main syllabus as well as the prelim syllabus, and I expect वही इस बार के लिए एग्रीकल्चर आपके लिए सफिशियंट रहेंगे. दो मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने जितना डेप्थ हो सकता था उतना ट्राई किया कि भैया अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो मैंने एग्रीकल्चर को अप्रॉक्सीमेटली ढाई से तीन या चार घंटे दिए. ठीक है, पीपल डोंट प्रेफर इट, बट आई हैव ट्राई टू गिवन इट अ लॉट ऑफ टाइम. और इस बार एग्रीकल्चर की वेटेज भी ज़्यादा थी प्रीलिम्स पे, इसलिए मैंने इसको अच्छा वेटेज दिया. ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी. और बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ एग्रीकल्चर के लिए, सो डोंट रीड एनी बुक. ठीक है, डोंट रीड एनी बुक. आखिरी में जो विजन की करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, ठीक है, उसको उठा लेना, और उसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्शन होता है ना उसको अच्छे से रट के चले जाना. सारी की सारी चीज़ दोबारा कवर करना, ये मेरा प्रॉमिस है. मतलब एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर अगर पढ़ना सिर्फ विजन की मैगजीन पढ़ना, और अगर ज़्यादा लग रहा हो कि मतलब इस बार एग्रीकल्चर कुछ अच्छा नहीं हो, और भी अगर पढ़ने का मन हो और ज़्यादा उत्सुक हो गए हो, क्या करना, लास्ट मतलब इस बार की पीटी थी, ठीक है, जो पीटी 65 थी 2020 की, और जो अगले साल की पीटी 65 2020 बनाएगी, मतलब इस साल की 2020 बनाएगी, उन दोनों को कंपाइल करके पढ़ लिया एग्रीकल्चर. ठीक है, आपका एग्रीकल्चर कहीं और बाहर से नहीं है प्रीलिम्स में और ना ही मेंस में, क्योंकि मेंस में इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं. और मैंने ट्राई किए हैं यार कि मतलब जितना हो सके उतना डिस्कस करूँ. ठीक है, लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशन है, लेक्चर की लिमिट देखनी पड़ती है, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस विद द सब्सिडीज पार्ट. ठीक है, आज हम सब्सिडीज चालू करेंगे. तो सब्सिडीज का पार्ट भी है आपके सिलेबस पे, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा इश्यूज रिलेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये बताओ भाई सब्सिडी होती क्या है. ठीक है, सब्सिडी एक्चुअली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है. ठीक है, एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो कि गवर्नमेंट देती है किसको, कंज्यूमर को या फिर जो प्रोड्यूसर होता है उसको. ठीक है, कंज्यूमर को या फिर प्रोड्यूसर को सब्सिडीज दी जाती है. ठीक है, मतलब एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीएम किसान यहाँ पहल, मतलब एलपीजी. ठीक है, अब तो ये बंद कर दिया गया, बट फिर भी एलपीजी के पहले क्या हुआ करता था कि पहले एलपीजी में इनडायरेक्ट सब्सिडी होती थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से गवर्नमेंट ने एलपीजी का मतलब एक सिलेंडर मंगवाया, ठीक है, उसका प्राइस 800 रुपए. ठीक है, मान लो उसका प्राइस 800 रुपए, गवर्नमेंट हमको अवेलेबल करवा रही थी 450 रुपए में, तो ये बाकी के जो पैसे हैं, ठीक है, जो बाकी के पैसे हैं वो किसको मिल रहे थे, वो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे थे. फॉर एग्जाम्पल नील गैस एजेंसी हो गई, मित्तल हो गया, इन सबको प्रोवाइड किया जा रहा. ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट सब्सिडी थी, मतलब हमें ही बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन जो सब्सिडी थी वो इनडायरेक्ट थी. ठीक है, मतलब एक तरीका फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना. और वहीं अब इसके बाद क्या किया गया, उसके बाद अभी जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है उसको कहा गया डायरेक्ट सब्सिडी. इसको कहा गया डायरेक्ट सब्सिडी. सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है प्रोड्यूसर को या फिर कंज्यूमर को. ठीक है, जिससे सोशल या इकोनॉमिक गुड्स फुलफिल हो सके. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान लो कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेगी सिलेंडर के ऊपर, तो बहुत सारे लोग सिलेंडर का यूज करना बंद कर देंगे, दोबारा भी चूल्हा चक्कड़ में जाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर दोबारा गवर्नमेंट को लॉस होगा. तो सब्सिडी होती है. ठीक है, और याद रखना जो सब्सिडी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैं आपको रेवेन्यू कैपिटल ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, समझ में आया. अब सब्सिडी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट सब्सिडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर रहता है या जिसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है उसको मिलती है. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर को जो पहले शुरू में क्या मिल रही थी, हमारी एलपीजी की जो सब्सिडी डायरेक्ट उसके खाते में आ रही थी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा था. ठीक है, वो एग्जाम्पल है डायरेक्ट सब्सिडी का. इनडायरेक्ट सब्सिडी का क्या है कि भाई यहाँ पर जो रियल बेनिफिशियरी है ना उसको पेमेंट नहीं की जाती है, एक इंटरमीडिएट को पेमेंट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि भैया जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हमारे 350 रुपये मिल रहे थे और वो हमें सस्ते में 400 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दे रहे थे. तो अल्टीमेट बेनिफिशियर तो हम ही हैं, ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी हमारे पास है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पैसे हैं ये किसको मिल रहे थे, समझ में आया, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहे थे. ठीक है, ओके, वेरी गुड. क्या आपको आई थिंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी समझ में आई. अब भाई कुछ बेनिफिट्स बता दो मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज के. ठीक है, तो डायरेक्ट सब्सिडी का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि भैया ये टारगेटेड होती है, मतलब देखो जिसको पहुंचाना रहता है डायरेक्टली उसको ही मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एलपीजी में हम सबको मिलती है. इसके बाद दूसरा, इसमें गवर्नमेंट का जो बर्डन है ना वो भी कम हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर गवर्नमेंट को जो चीज़ें हैं वो फ्री में नहीं देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म हो जाता है, स्टोरेज का कॉस्ट खत्म हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पीडीएस वाले मैंने आपको फूड कार्ड का डिस्कशन किया था कि भाई अगर अभी क्या करती है गवर्नमेंट एफसीआई को बना के रखा है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज है उसको पैसा दे रही है, वो प्रोक्योरमेंट करता है, फिर गोडाउन में स्टोर करता है, ये सब छोड़ो यार, सब बंद कर दो, सीधे लोगों को हाथ में पैसे दे दो, वो लोग खुद ही जाकर खरीद के खा लें. तो आप देखो ना कितना सारा गवर्नमेंट का पैसा बच गया. इसके बाद तीसरी बात, इसमें एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा आती है, बिकॉज सरकारी नौकर काम ही नहीं करते हैं, आप प्राइवेट बंदे खुद से काम करेंगे तो वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होंगे.
साथ ही साथ लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिलती है, वो पैसों को अच्छे से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल किसी को खाना कम लगता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को 5 किलो चावल महीने का नहीं लगता, वो 3 किलो बस ले अपने पैसे से और बाकी 2 किलो कुछ और खरीद ले तो पैसे बचे हुए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ फायदे होते हैं हमारे डायरेक्ट सब्सिडीज के, लेकिन देर आर सम लॉसेज एज वेल, ठीक है, देर आर सम इश्यूज और डिसएडवांटेजेस एज वेल। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि भैया इसको एक्सेबल कराना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर एक गाँव में अच्छा बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब आप जानते हो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में होगा, फाइन। दूसरा कि भाई इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं गिना जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि मैं बोल रहा हूँ इतने टाइम से कि भैया आप ये फूड देना बंद कर दो, सीधे कार्ड देना चालू कर दो, डायरेक्ट लोगों के हाथ में पैसा दे दो। अगर आप सोचो कि मैने हर किसी को महीने टू महीने 3,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो किसी दिन किसी साल इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि जो फूड का जो प्राइस है वो बढ़ के 7-8 हज़ार हो गया, तो अब क्या 3,000 में फुलफिल होगा? नहीं। लेकिन उसी की जगह अगर मैं सिर्फ फूड देता रहता तो अल्टीमेटली होगा पेट तो भरता। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है हमारी किसकी, डायरेक्ट सब्सिडी का, ठीक है। एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया में, और दूसरा मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं, दूसरा इन्फ्लेशन इसको कैंसिल आउट कर सकता, ठीक है। अब इनडायरेक्ट सब्सिडी के क्या बेनिफिट है भैया? इसका बस यही एक मतलब प्रॉफिट है कि मतलब ये जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां नहीं है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एलपीजी सिलेंडर वो गांव में भी 450 रुपए के मिलते थे मतलब एक टाइम पे, ठीक है, तो वो सब होता है। लेकिन इसके बहुत सारे इश्यूज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया ये जो इंडायरेक्ट सब्सिडी है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, मतलब भले वो अंबानी साहब हो चाहे हम हो, जैसे आप और हम जैसे गरीब लोग हैं, उन सबको सेम प्राइस पे मतलब गैस का सिलेंडर मिल रहा है, ये तो गलत है यार, मतलब उनके पास पैसा ज्यादा है। ऊपर से फिर जो WTO बार बार अपना तमाशा करते रहते हैं कि भैया जो आपकी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है वो अलग बकवास चलती रहती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इश्यूज है इनडायरेक्ट सब्सिडीज के, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे सामने कि भैया कितने टाइप की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज होती है। सबसे पहला तो भैया आता है हमारे सामने इनपुट सब्सिडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी, इरीगेशन सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी मतलब वो सब्सिडीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फॉर एग्जाम्पल गेहूं चावल को उगाने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल इरीगेशन सब्सिडी हो गया, फिर पावर सब्सिडी हो गया, सीड सब्सिडी हो गया, क्रेडिट सब्सिडी हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आती है प्राइस सब्सिडी, फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट लोगों को पैसे देती कि भैया आप अपने FC मतलब गोडाउंस बनाओ, अपने कोल्ड चेन बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार करो। उसके बाद आती है एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। लेकिन देर आर सम इश्यूज विद रिलेटेड टू ऑल द एग्रीकल्चर सब्सिडी। सबसे पहला इशू तो ये है कि भाई मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है सब्सिडी देने में। अभी आपको पता है बजट के हिसाब से, इस बार के मतलब बजट के हिसाब से 2.56 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को मतलब फूड सब्सिडी देनी पड़ी, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट सब्सिडी में खर्चा हुआ। इसके बाद यही एक रीजन है, गवर्नमेंट जब अपना पूरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देती है सब्सिडी देने में, तो आप ये बताओ गवर्नमेंट कहाँ से कोल्ड स्टोरेज बनाएगी यार, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगी, तो यहाँ एक लॉस होता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है भैया ये जो जिनको सब्सिडी मिलती है उसकी वैल्यू नहीं करते और बहुत बेकार तरीके से यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे यहाँ पर पानी को और ये बिजली को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना वो इंडिया में डिस्टॉर्ट होता है, क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से डिस्टॉर्ट होता है, हाँ समझाता हूँ। देखो MSP वाला बताया था ना एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर चीज में सब्सिडी दे देती है। फॉर एग्जाम्पल कि राइस में और वीट में सब्सिडी है तो सब लोग वही भी उगाने लगते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे क्या मोनोकल्चर एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जो लड़ाई कोई पेस्ट का अटैक हो गया तो पूरी देश की जो फसल है साफ हो जाएगी, पूरे देश की जो फसल है वो साफ हो जाएगी। तो सोल्यूशन क्या फार्म सब्सिडीज का? देखो सोल्यूशन तो वही सब्सिडी का एक ही है, क्या क्या किया जाए, तो जितनी सब्सिडीज को रैशनलाइज किया, मतलब कम से कम सब्सिडी दी जाए और जितना हो सके उतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए, अभी तो यही सोल्यूशन है। और बाकी जो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम थी उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैकल करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्सिडीज का पार्ट खत्म, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर का आता है जिसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आप ये बताओ एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब जो भी बफेलोज, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा जितने भी एनिमल है उन सबको आप ब्रीड करो और उनकी केयर करो, ठीक है, उससे आपको इकोनॉमिक और सोशल फायदे होंगे, ठीक है। सोशल फायदा क्या होता है? आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है। आप सब जानते हैं हमारे पुराने टाइम से, ठीक है, हमारे पुराने टाइम से जिनके पास बैल हुआ करते थे वो लोग बड़े बड़े लोग माने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पे हम लोग माल गुजार हुआ करते थे हमारे यहाँ पर काफी बैल हुआ करते थे, तो बड़ा सोशल स्टेटस हुआ करता है एक टाइम पे, ठीक है। तो इसका भी एक सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक फायदा आप समझते हो, जो भी सब दूध बेचोगे तो उसका फायदा होगा, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, अभी तक पोल्ट्री को और फिशरीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था लाइफ स्टॉक में, ठीक है, तो अब इसको इंक्लूड कर लिया गया। इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो अलाइड एक्टिविटीज को भी देखती है, ठीक है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए भैया एनिमल हस्बेंड्री के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 4.11% ऑफ द GDP है। सोचो 4.11%, मतलब काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है,
ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में, मतलब जो एग्रीकल्चर की टोटल जीडीपी रहती है उसमें 1/4 मतलब 25.6% का जो आप कह सकते हैं इंक्लूजन रहता है वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री का रहता है। इसके साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इस साल फसल खराब हो गई लेकिन अगर आपके पास एनिमल्स हैं तो आप उनका प्रोडक्ट बेच के अपना काम चला सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, जिससे आपके अंदर प्रोटीन आता है, ठीक है। इसके बाद ये आपके ट्रांसपोर्ट पर भी काम करते हैं। आप अभी देखेंगे बहुत सारे फार्मर्स हैं क्योंकि क्या करते हैं कि अभी भी अपनी जो फसलें हैं वो बैलगाड़ी में ही लेके आते हैं। उसके बाद आपको फ्यूल भी मिलता है, जैसे मतलब जो कंडा होता है, डंक केक होता है, ये सब चीज़ में आपको फ्यूल भी मिलता है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद इनके बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल वुल, हेयर, हाइड्स, ये सब बिकते भी हैं, ठीक है। इनका खुद का कल्चरल बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल जो बकरा ईद में बकरा का होता है, और उसके बाद इससे मैंने बताया सेल्फ स्टीम में काम आता है ये, ठीक है। इसके बाद एक सोशल सिक्योरिटी भी रहती है इसकी, फाइन। लेकिन देर आर सम चैलेंजेस, ठीक है, देर आर सम चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से इंश्योर करवाने की कोशिश की कि अच्छी ब्रीड के मतलब गाय आए, ये आए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी गाय रहती है ना उसका जो प्रोडक्शन रहता है ना बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू जो ब्राजील की जर्सी गाय है, ठीक है। ब्राजील की जर्सी गाय बिकॉज वहाँ पर उनको अल्फा अल्फा ग्रास मिलती है जो बहुत न्यूट्रिशियस होती है। हमारे यहाँ की जो गाय और भैंस होते हैं भले वो खाना कम खाते हैं लेकिन प्रोडक्शन भी कम करते हैं, जो कि विच इज नॉट फूडफुल, ठीक है। इसके बाद ये एक प्रॉब्लम होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिशन लिए, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, नेशनल आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन प्रोग्राम, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पर फूड रिसोर्सेज की कमी रहती है, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं वो जो अपना जो धाना रहती है, चारा रहता है, वही खिला दिया करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर में दो फैसिलिटीज बहुत अवेलेबल है लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में गवर्नमेंट का भी उतना फोकस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी स्कीम्स होंगी हर एक सेक्टर के लिए, फॉर एग्जाम्पल फिशरीज के लिए, इसके लिए, उसके लिए जो भी नई स्कीम आई उसको एक बार रीड करें, ठीक है। स्कीम्स मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप जानते हैं उनको पढ़ाना बहुत हेक्टिक है, और ऊपर से हर एक सेक्टर में स्कीम है, अगर पढ़ाने बैठूंगा तो 10 लेक्चर तो स्कीम के ऊपर बन जाएंगे। तो स्कीम्स आप एक बार खुद रीड कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो स्कीम कैसे पढ़ना है ये सब मैं फ्यूचर के लेक्चर में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जब मेरे आते ही लेक्चर से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्कीम पढ़नी है, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर होता है खत्म, अब बचता है इंडस्ट्री एंड सोशल सेक्टर। तो वी विल मीट इन फ्यूचर लेक्चर्स, टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।